उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के मंडल के कर्मचारियों ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के मंडल के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महासंघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन और सिद्धांतों ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। गांधी जी की उदारता और महानता केवल भारत तक ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी विख्यात है। ऐसे महान व्यक्ति के आदर्शों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी कहते थे कि सभ्य समाज के लिए स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। उन्होंने भारतीय समाज से अस्पृश्यता को खत्म करने का भी प्रयास किया। गांधी जी के सपनों को साकार करने हेतु हमारी सरकार लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान चला रही है। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। जी बताएं, आज गांधी जयंती है, आप लोग जो है पुष्पांजलि किए हैं, क्या है ये? देखिए, निरंतर गांधी जयंती पे राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा माल्यार्पण किया गया और नमन किया गया गांधी प्रतिमा पे, शासी प्रतिमा पे। दोनों का चूंकि आज के दिन में उपस्था है, इसलिए दोनों की तिथियों में जो सारे सामूहिक लोग राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष द्वारा मेरे नेतृत्व में किया जाता रहा है पिछले 10 वर्षों से, और मैं यही अपने संघ से भी प्रयासरत रहता हूँ कि सारे महापुरुषों के पीठों से नमन किया जाए। बाकी पर्चे बता दीजिए मंडल अध्यक्ष।